असलकम आई होप कि आप सारे ठीक ठाक होंगे हैरियत से होंगे सो यहाँ पर मैंने अपने कुछ विंटर के ड्रेसेज बाई किए थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार ये दिखा दूँ कि ये किस टाइप के ड्रेसेस हैं सो विंटर्स टफ है इनका मतलब आपको पता चल गया होगा कि मैं बीमार हूँ लेकिन खैर अब बीमारी भी ज़्यादा चलती है सो so, मैं काफ़ी डेज से बीमार थी एंड ड्रिप भी लगी थी एंड अभी तक ये आप देख सकते हैं मेरे हैंड पे ये निशान पड़ा हुआ है ड्रिप का अभी तक ये ब्लू निशान गायब नहीं हुआ सो <coughs> so, खैर आप दुआ किया करें कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से अल्लाह मुझे भी सेहत दे हर टाइम मैं बीमार रहती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया हालांकि इससे पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक होती थी जब से मेरी शादी हुई है मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी हूँ तो बरकत जाने सो so, अब ये आप लोग देख सकते हैं तीन किस्म के ड्रेसेस हैं तीन कलर्स के आप कह है सकते हैं और ये दनक स्टफ़ में है और विंटर की कलेक्शन है बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से कलर स्कीम भी मैंने इस बार थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट ली है एंड दे आर लुकिंग वेरी फेबिलेस So, मैं इनको वन बाय वन आपको दिखा देती हूँ <clears throat> कौन सा वाला पहले अब ये करने में मुझे मसला हो रहा है सबसे पहले वाला मैं मैं आपको दिखा देती को रखती ताकि आप लोग भी देख सकें सो दिस इज द ग्रीन वन एंड वेरी वेरी अमेजिंग ड्रेस आई रियली लाइक दिस कलर तो आई होप कि आपको भी ये कलर्स अच्छे लग रहे होंगे विंटर के क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से विंटर में आपको डार्क कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं बन इसके इसके आप लाइट कलर्स पहने तो वैसे तो मैं लाइट कलर बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लेकिन यहाँ पे आप मैंने विंटर के लिए जो लिए हैं ड्रेसेस वो डार्क कलर्स में लिए हैं सो so, मैं आपको ये दिखा देती हूँ सो गाइज इस ड्रेस को यहाँ मैंने ओपन करके रख लिया है आप लोग भी देख सकते हैं और ये कलर इसको हम जिंक कलर भी आई थिंक सो कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल वो वाला ग्रीन कलर नहीं है इसको जिंक कलर में भी उसकी कैटेगरी में भी हम इसको रख सकते हैं सो so, यहाँ पर तो थोड़ा सा डिफरेंट बना ऑब्वियसली ये रेप्लिका ड्रेसेस होते हैं तो बिल्कुल औरजिनल वाले तो फैंसी लुक में ही ज़्यादा आ जाते हैं तो ये आपको मैं अब आप दिखा देती हूँ इसकी नेक लाइन बहुत प्यारा नेक इसका बना हुआ है और एम्ब्रॉयडरी जो है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है तो राउंड नेक में है एंड मीडियम साइज़ में है उसके अलावा इसकी स्लीव्स वगैरह भी मैं दिखा देती हूँ उस पर भी लेस वगैरह जॉइंट की हुई है उन्होंने एंड दिस इज़ द दुपट्टा एंड 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 एन दिस इज़ द ट्राउज़र आई होप कि आपको ये ड्रेस अच्छा लगा होगा और विंटर के लिहाज से बहुत बेस्ट ड्रेस है सो so, इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी बैक साइड जो है ज़्यादातर प्लेन ही होती है लेकिन यहाँ पे प्रिंटेड है सो गाइज़ यहाँ पर इसकी ये आप देख सकते हैं बैक साइड है और बैक साइड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और ये वाला कलर मस्टर्ड कलर नहीं है बल्कि थोड़ा सा ऑरेंज कलर है ये मैं करीब कर देती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा तो इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है एंड दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस दैट आई शोड यू नाव आई विल शो यू द सेकेंड ड्रेस सो गाइज हेयर इज़ द सेकेंड ड्रेस और ये माशाला से बहुत ज़्यादा फ्रेश कलर है और बहुत ज़्यादा डार्क कलर है एंड दिस इज़ द रॉयल ब्लू कलर और इसकी जो ट्राउज़र है इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं प्लीट्स पड़ी हुई हैं एंड आप इसका बॉर्डर देख सकते हैं और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है और कंट्रास्ट जो है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते और बहुत ज़्यादा ये फ्रेश कलर लगने वाला है और मैं इसको इस साल पहनूंगी भी इसीलिए खैर से मैंने इनको लिया है ये वाले ड्रेसेस और एक और बात की अगर आप अपनी मर्ज़ी से आप स्टिच करवा लें ना ड्रेस तो उसकी स्टिचिंग इतनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ नहीं होती जितनी आप लोग देख लें कि रेडीमेड स्टफ़ जो होता है उसकी जो फिनिशिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है सो पिंक एंड रॉयल ब्लू कलर में इसका कंट्रास्ट है एंड आप देख लें इसकी जो लेस लगी हुई है स्लीवस पर और नेकलाइन इसकी जो है वी शेप गला है एंड एम्ब्रॉयडरी है सो so गायस अभी खैर से मैंने इन ड्रेसेस को प्रेस नहीं किया तो मैं अब सोच रही हूँ कि इनको प्रेस करके हैंग कर ही लूँ क्योंकि अब जाहिर है आगे के जो डेज़ हैं वो काफ़ी बिजी आने वाले हैं और आपको पता है जब विंटर की छुट्टियाँ वगैरह होती हैं तो फिर बंदा कहीं आगे पीछे भी जाता है तो फिर बंदा पहन ही लेता है सो तो so, पहले से चीज़ रेडी हुई हो प्रेस हुई हुई हो तो फिर बंदा अचानक से कहीं जाए तो पहन भी सकता है सो so, इसका जो थोड़ा सा डिफरेंस है दुपट्टे के कलर में थोड़ा सा माइनर सा आप लोग कह सकते हैं लेकिन हेयर है वो चल जाता है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इस कलर का जो है क्रेज़ था मुझे काफ़ी पसंद आया एक बार मैं इसको देख आई थी तो दूसरे दिन मैंने सोचा कि बस मुझे अब ये बाय करना ही है बैक साइड इसकी ज़्यादातर प्लेन ही है और जस्ट जो इसके एजिज हैं और इसके कॉर्नर पे ही बॉर्डर बना हुआ है लेकिन काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से ये ब्यूटीफुल कलर है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आया है आपको कैसा लगा आपने भी बताना है और उसके अलावा रेडीमेड दुपट्टे जो होते हैं उनकी जो पीको होती है वो मुझे पसंद नहीं आती तो इसको मैंने दोबारा से पीको करवा लिया था तो क्योंकि अभी मैं आपको दूसरे वाले ड्रेस का भी दुपट्टा दिखा देती हैं उसको मैंने दोबारा से पीको नहीं करवाया अब आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि इतने पैसे भी ले, ले लेते हैं लेकिन पीको उसकी बिल्कुल बकवास होती है और अब ये लग रहा है जैसे ओवर लाक नहीं करते उस टाइप से इन्होंने कर दिया है और इसको भी मुझे करवाना ही पड़ेगा दोबारा से तो इसके बाद अब मैं आपको थर्ड ड्रेस दिखा देती हूँ सो so गाइज़ यहाँ पर ड्रेस नंबर थ्री आ गया है अभी धूप भी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी सो so, ये ड्रेस मेरा एक समर का ड्रेस था जो कि मैंने लाइन लाइट से लिया था उससे मिलता जुलता ही इसका कलर कंट्रास्ट है लेकिन इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है तो मैंने इसको जस्ट इसके जस दुपट्टे की वजह से लिया था इसका दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और ये थोड़ा सा महरूनिश है और इसको भी मैंने खुद ही दोबारा से पी करवाया था इसकी नेक लाइन में आपको दिखा देती हूँ इसकी नेक लाइन पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और काफ़ी ज़्यादा नीटनेस के साथ फिनिशिंग वाला काम है इनका और ये भी दिनक स्टफ़ है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये टू पीस सेम ही ड्रेस है जैसे कि कॉर्ड सेट्स वगैरह होते हैं तो उनमें ऐसे होता है अक्सर कि वो इस टाइप के होते हैं तो इसके साथ आप दोपट्टा स्किन भी मैच सकते, कर सकते हैं ब्लैक भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको रेड दो की वजह से ही बाय किया है तो ये इसका बॉर्डर है एंड ट्राउज़र इसका आप लोग देख सकते हैं सीधा सीधा सही है एंड दिस इज़ द दुपट्टा एंड स्लीव्स पर भी जॉइंट लेस लगाई हुई है और थोड़ा सा उन्होंने जोड़ डाल के कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाने की कोशिश की है तो इस दुपट्टे को मैं खोल के भी दिखा देती हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा दुपट्टा है और इसका बॉर्डर वगैरह बना हुआ है सो so, ये है इसका दुपट्टा एंड आई होप कि आपको मेरी आज की विंटर कलेक्शन काफ़ी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें एंड उसके बाद शेयर भी कर लिया करें तो फिर क्या ही बात हो सो so, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो काइंडली आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और फिर मैं आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस दूँगी सो so गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक फ्रोज़न फिश का पैक है जो कि हम मेन्यू से लेकर आए थे और ये फ्रोज़न फिश ऐसी थी कि तकरीबन इस पर सब कुछ लगा हुई था जैसे मसाला वग़ैरह लगा होता है फ़िश पर तो इसको जस्ट एयर फ्राइर में आपने फ्राई करना होता है या आप चाहें तो आप ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं फ़्राइज़ बना रही थी और सोचा था कि आज कुछ पार्टी वगैरह हो जाए घर में तो आपको बताया कि घर में बंदा जब वेला हो तो फिर बंदा इस तरीके की जो साजिशें हैं वो सोचता रहता है और ये प्लान करता रहता है यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि इसको पहले माइक्रोवेव में इसको डिफ्रोस्ट कर लूँ ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो मेल्ट हो जाए जो बर्फ़ वगैरह जमी हुई है तो सबसे पहले इसको माइक्रोवेव में हमने रखा और फिर उसके बाद इसको डिफ्रोस्ट किया एंड देन उसके बाद मैंने एयर फ्रायर को ज़रा सा ग्रीस करके इसको वहाँ रख दिया और उसके साथ साथ मैं चिप्स वगैरह भी काट रही थी और चिप्स थोड़े मोटे मोटे काट रही थी क्योंकि फ्राइज़ का टेस्ट ज़रा अलग होता है और जो थोड़े मोटे चिप्स होते हैं उनका टेस्ट ज़रा अलग होता है तो इसको मैं हाथ से ही कट कर रही थी और मैंने मशीन से इनको नहीं निकाला क्योंकि मशीन से आपको पता है कि वो फ्राइज़ वाले ही शेप उनकी आती है और उनका अलग टेस्ट होता है तो ये वाली मैं लेकर आई थी आप लोग भी देख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो आप भी लेकर आ सकते हैं इस फिश को क्योंकि ये जैसे आप कह सकते हैं कि जब आप लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो आपको बगैर कांटे के जो फिश वो लोग देते हैं तो ये उस टाइप की फ़िश थी और सी फूड्स की बहुत सी टाइप्स हैं और किसी को पसंद आती हैं किसी को पसंद नहीं आती लेकिन ये था कि ये रिज़नेबल प्राइस में आपको घर में ही बैठे बैठाए अच्छी सी फिश मिल जाती है तो आपकी अपनी चॉइस होती है क्योंकि बाज लोग एलर्जिक होते हैं फ़िश वगैरह से तो उनको पसंद नहीं आती तो अपनी अपनी चॉइस की बात होती है तो ये था मेरा आज का व्लॉग आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाजमी शेयर कीजिएगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए साथ मुझे कॉमेंट्स भी कर दिया करें कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ ताकि मुझे भी आइडिया हो कि कल मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है टाइम ऐसे होता है कि मैं कहीं गई कही हुई भी होती हूँ लेकिन मुझे वीडियो बनाने की याद भी नहीं रहती क्योंकि दिल ही नहीं जाता कि कोई वीडियो वगैरह बनाऊँ और बंदा लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है तो कभी कभी जब दिल चाहता है तो फिर मैं बना देती हूँ और सोचती हूँ कि इसको अपलोड करूँगी और वो मेरे फ़ोन में काफ़ी डेज से पड़ी रहती हैं और फिर बाद में मैं इसी तरह डिलीट भी कर देती हूँ और मैं उनके ऊपर कोई वॉइस ओवर वगैरह नहीं करती तो इसलिए चैनल को लाजमी प्रमोट किया करें अगर एक बंदा मेहनत से वीडियो बना रहा है तो उसकी वीडियोज़ को लाजमी आगे शेयर किया करें ताकि उसको भी आ, मौका मिले आगे बढ़ने का तो आप लोगों की तरफ से अगर सब्सक्राइब वगैरह हो जाए और वीडियो शेयर वगैरह हो जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिले तो फिर मैं भी मज़ीद मेहनत करूँगी मज़दीद कोशिश करूँगी अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रही हूँ तीन से चार साल हो गए तो अब मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर इस कंटेंट को लाजमी प्रमोट करें वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा एंड कीप सब्सक्राइब एंड इन नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं सो स्टेट एंड अल्लाह हाफिज़